और आपको वह अब 24 घंटे से ज्यादा आप गिरफ्तार रह चुके हैं, तो आपको मतलब आपके वकील क्या कह रहे हैं, आपको अगर इस कमरे से नहीं बाहर परमिशन देते हैं तो आप इस कमरे में कितने देर के लिए रह सकते हैं? मैं इस कमरे में सालों रह सकती हूँ। मुझे 6 महीने रखना चाहे रखें, मुझे 15 दिन रखना चाहे रखें, मुझे 6 साल रखना चाहे, तो मैं खुशी से रहूंगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। प्रियंका जी, कल सुप्रीम कोर्ट में एक इम्पोर्टेंट हियरिंग था, जिस हियरिंग में बताया जा रहा था कि शायद किसानों को अपने प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग हो रहा है और इस बारे में एक फैसला होगा अंत में। तो इस पे आपका क्या राय है, किसान के जो प्रोटेस्ट है बंद होना चाहिए या नहीं? देखिए, कोर्ट का जो फैसला है वो अपनी जगह है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन ये बहुत स्पष्ट है कि इस देश में जो आवाज उठाने का, जो प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, वो एक अधिकार दिया है हमें संविधान ने, किसी कोर्ट ने नहीं दिया है, किसी सरकार ने नहीं दिया है, हमारे संविधान ने दिया है। वो हमारा संवैधानिक अधिकार है और उस अधिकार को जनता से आज बीजेपी सरकार छीन रही है। पिछले 7 सालों में जहां भी प्रोटेस्ट हुआ है उसको एक दमनकारी तरह से बुझाया जाता है, लोगों को पकड़ के जेल में डाला जाता है। आप जानते हैं यहाँ पे सब जो ऑपोजिशन के जो सारे नेता हैं विपक्ष के, वो सिर्फ सहानुभूति दिखाने आ रहे थे, तो सबको अरेस्ट क्यों किया है, क्या मतलब है इसका? और एक अंतिम सवाल आपसे, भाजपा को कहना है कि आप एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट है, कि आप कुछ कुछ मुद्दे को उठा के यूपी इस पे देश आते हैं में और पूरी जी जनता जानती है, एक एक बच्चा जानता है कि सब सब सबसे बड़ा पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट कौन है। और आप ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म की ये पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं, ये बहुत घिसी पिटी कहानी है। और सच्चाई ये है कि जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है, जो खड़ा होता है, उसको ये हल्के में करना चाहते हैं कि जैसे हम सीरियस नहीं है, हमारी पॉलिटिक्स सीरियस नहीं है, हमें हल्के में लिया जाए, ये इनकी आशा है। लेकिन अफसोस की बात उनके लिए ये है कि मैं बिल्कुल सीरियस हूँ और मैं सीरियसली काम कर रही हूँ। और टूरिज्म पॉलिटिकल ये लोग करते हैं। अमेरिका में मैं नहीं जाती अपने प्रेसिडेंट के साथ अपनी फोटो खिंचाने, या झूले पे मैं चीन के प्रेसिडेंट के साथ नहीं बैठती, मैं जापान नहीं जाती। पूरी दुनिया घूमते हैं इस देश के प्रधानमंत्री, सबसे बड़े टूरिस्ट वो हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस ऑन एनडीटीवी, एंड होपफुली देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी ऑन यू नो लीगली व्हेन यू आर एक्चुअली आउट ऑफ वेयर यू आर नाउ। इनडेफिनिट डिटेंशन इज इलीगल इन आवर कंट्री।